हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सरसों के मसालों के साथ भिंडी की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए मैं 500 ग्राम्स भिंडी को ली हूँ, जिसको मैं पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद 1 इंच के साइज में कट कर ली हूँ। इसके साथ साथ मैं 3 मीडियम साइज के आलू को ली हूँ और 1 आलू को 8 भागों में काटी हूँ। अगर आप चाहें तो अपने मनचाहे आकार में काट सकते हैं। अब मैं एक कढ़ाई को गर्म करूँगी और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल को डाली हूँ। इसके साथ मैं 1/2 टेबल स्पून गोटा जीरा, इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पका ले। अब मैं कटी हुई भिंडी को फ्राई करूँगी। फ्राई करते वक्त ध्यान रखें, इसे हमें ढककर फ्राई नहीं करना है। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई में रखते हुए इसे फ्राई करें। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसके लसलसेपन ख़त्म ना हो जाए और ये थोड़े लाल ना हो जाए। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसके लसलसेपन ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और साथ में भिंडी के स्वाद के अनुसार नमक को डालूंगी। इसे डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक खुले में फ्राई कर लें। आइए तब तक मैं इसके मसालों के बारे में बताती हूँ। इसके लिए मैं 1 मीडियम साइज की प्याज को ली हूँ, जिसको मैं लंबे आकारों में कट कर ली हूँ। 2 छोटे आकार के टमाटर, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच के करीब अदरक, 1 टेबल स्पून राई यानी सरसों, 2 तेज़पत्ते, 3 छोटी इलायची और 5 से 6 गोल मिर्च के दाने। अब मैं इसकी पेस्ट को तैयार करूँगी। बारी बारी से सभी मसालों को डालें, केवल तेज़पत्ते को छोड़कर। इस तरह से सभी मसालों को डालने के बाद मैं इसके पेस्ट को तैयार कर लूँगी। देखिए इसकी पेस्ट कितने स्मूथ और दरदरे बने हैं। आइए मैं चलती हूँ भिंडी की तरफ। देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसे आप एक बर्तन में निकाल लें। आप इसे भिंडी के भाजे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मैं उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल को डालूंगी और 2 तेज़पत्ते को डालकर फ्राई करने के बाद अब मैं कटी हुई आलू को डालूंगी। आलू को लाल कर फ्राई कर ले। तकरीबन 5 मिनट के बाद देखिए ये आलू अच्छी तरह से लाल होकर फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें पेस्ट किए हुए मसालों को डालूंगी। मसालों के साथ साथ मैं इसमें 1/2 कप पानी को उसी बर्तन में डालकर इसे धोकर मिला दूंगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं इसमें कुछ सूखे मसालों को ऐड करूंगी, जैसे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। इसे डालें और अच्छी तरह से मिलाने के बाद गैस को लो फ्लेम में रखकर इसे 5 मिनट के लिए ढक दें। 5 मिनट के बाद देखिए ये मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं इसमें नमक को ऐड करूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डालें। इसे मिलाएं और इसमें मौजूद आलू को एक बार चेक कर लें। अगर आपकी आलू कच्ची हो तो आप इसे एक बार ढककर पकाएं। इस तरह से ढककर पकाने के बाद देखिए ये सारे आलू अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए भिंडी को ऐड करूंगी और मिलाऊंगी। मिलाने के बाद गैस को लो फ्लेम में रखकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ दें, ताकि ये आपस में एडजस्ट हो जाए। इस तरह से देखिए ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है।
अगर आपको ये सब्जी ग्रेवीदार चाहिए तो आप इसमें पानी को ऐड कर इसके ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। आइए मैं इसे सर्व कर दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी सुंदर और टेस्टी लग रही है। इस तरह के सरसों के मसाले वाले भिंडी की सब्जी आप अपने घरों में एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसी बनी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।